जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस 5 की लाइसेंस 5 KV जनरेटर AC 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो गेहूँ 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना नमक तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। ये फरमान जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं और जो भी इस कैटेगरी में आता है उसे अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यानी सरकार के मुताबिक जिन लोगों के पास 4-व्हीलर ट्रैक्टर जमीन या फिर जनरेटर आदि हैं उनको अब योगी सरकार सस्ता या फिर फ्री राशन नहीं देगी। ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया था, जिसकी आखिरी तारीख 15 मई रखी गई थी। जिसने भी इस तारीख तक राशन कार्ड जमा नहीं करवाया होगा उन पर सरकार कार्रवाई करने की बात कह रही है। यानी राजनीतिक पंडितों के मुताबिक जिन योजनाओं के जरिए योगी सरकार दोबारा सत्ता में लौटी अब उन्हीं पर सरकार कैंची चला रही है। तो क्या वाकई चुनाव से पहले तक योगी सरकार राशन कार्ड के जरिए राशन पाने वालों को खुश कर रही थी? और साथ ही बात होगी इस सवाल पर कि क्या किसी की अमीरी को मापने का ये सरकारी पैमाना सही है, और जिन लोगों को वाकई राशन कार्ड चाहिए उनको राशन कार्ड इशू करने में सरकारी महकमे कितनी तेजी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले के 3 महीनों में योगी सरकार ने 1.4 मिलियन टन गेहूं, 0.95 मिलियन टन चावल, 0.10 मिलियन टन चना, 101.9 मिलियन लीटर सोयाबीन ऑयल, 1,00,000 टन नमक फ्री राशन के तौर पर बांटा, जिसे सरकार द्वारा कोविड रिलीफ पैकेज का पार्ट बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 14,60,00,000 लाभार्थियों को ये राशन बांटा गया, जिसकी लागत सरकार को 300 करोड़ रुपए पड़ी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यूपी चुनाव में भाजपा की जीत में ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। ऑफिशियल डेटा की माने तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा राशन अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, जहां 3,89,000 राशन कार्ड होल्डर्स हैं। जनवरी में मिर्ज़ापुर के हिस्से सबसे ज़्यादा राशन आया, जहां 4,40,000 राशन कार्ड होल्डर्स हैं, और फरवरी में फिर से अम्बेडकर नगर में सबसे ज़्यादा फ्री राशन बांटा गया। हालांकि इलेक्शन से पहले फ्री राशन स्कीम चलाने के अलावा योगी सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के तहत भी मार्च 2020 से फ्री राशन बांट रही है, और इसी फ्री राशन को यूपी में योगी सरकार की जीत में एक बड़ा फैक्टर माना जाता रहा है। हालांकि अम्बेडकर नगर और मिर्ज़ापुर की 10 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनाव में भाजपा सिर्फ 4 ही सीटों पर जीत पाई। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सरकार को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के तहत मिलने वाले 8.96 मिलियन टन के अलावा 5.8 मिलियन टन अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत और दिया गया, जो राशन कार्ड धारकों को फ्री में बांटने के लिए दिया गया था। इससे एक बात तो साफ होती है कि सरकार चुनाव से पहले खुले हाथों से अनाज आम जनता को बांट रही थी। अब यूपी सरकार कुछ लोगों से तो राशन कार्ड वापस लेने की बात कह रही है, लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि क्या उन लोगों को राशन कार्ड अलॉट किए जा रहे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अब इसके लिए कोई लेटेस्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट पोस्ट की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक RTI में ये जानकारी दी गई थी कि यूपी में 18,00,000 राशन कार्ड की एप्लीकेशंस जुलाई 2020 तक पेंडिंग थी, जबकि 30 दिन के अंदर ही राशन कार्ड को अप्रूवल देना होता है। फिर भी इनमें से 91.9% एप्लीकेशंस ऐसी पाई गई जो 30 दिन से ज़्यादा वक्त से पेंडिंग चल रही थी। अगर इस आंकड़े को आधार माना जाए तो व्यवस्था काफ़ी सुस्त है। अब आते हैं बुनियादी सवाल पर कि क्या वाकई राशन कार्ड के लिए अमीरी गरीबी को मापने का सरकारी पैमाना सही है।
इसमें भी कई तरह की दिक्कतें नजर आती हैं, जैसे किसी के घर में एसी होना अमीरी का परिचायक नहीं है और ना ही चार पहिया वाहन। हो सकता है कि वो व्यक्ति उसी वाहन के जरिए रोजी रोटी चलाता हो, और अगर किसी के पास गांव में 5 एकड़ जमीन है तो जरूरी नहीं कि उसकी वैल्यू करोड़ों में ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो कि उसे अपनी जमीन की कीमत समझ आती हो, क्योंकि गांव में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो जमीन होने के बावजूद गरीब हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी की सालाना इनकम 2 लाख और शहरी इलाकों में 3 लाख से ज्यादा है तो उसे भी राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है। 2 लाख इनकम यानी महीने के 16,666 रुपए। अब क्या कोई व्यक्ति इतनी कमाई में अपना घर पाल सकता है, और वो भी तब जब महंगाई 7वें आसमान पर हो? इन बुनियादी सवालों की तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत नजर आती है। हमारे सरकारी सिस्टम में तो भ्रष्टाचार पहले ही घुन की तरह है, और ऐसे में ऐसे किसी ऐलान से क्या गारंटी है कि आम लोगों को अब राशन कार्ड के लिए भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी? सवाल अभी कई हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बेशक किसी अमीर के मुंह में 4 दाने ज्यादा चले जाएं, लेकिन पॉलिसी ऐसी हो कि किसी गरीब के मुंह से निवाला ना छिन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।